सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज होस्ट कलेक्ट संदीप और आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। और सबसे पहले ये गेम इंडिया की तरफ से आने वाली AULS M2 फैन किट को आप देख लीजिए, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ही ली है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कर लिया था, जिसमें मैंने अपनी गेमिंग कह रहा हूँ ARGB फैन किट इंस्टॉल नहीं की थी। और उस टाइम मेरा बजट भी नहीं था, बजट तो खैर मेरा आज भी नहीं है। इस फैन की मैं कहानी आपको आगे बताऊंगा। और कूलर मास्टर वगैरह का अगर मैं फ़ैन ले रहा था तो वो 4000 रुपये करीब का पड़ रहा था फ़ैन किट। और थर्मल टैग तो यार कूलर मास्टर का ही बाप हुआ पड़ा है, क्या ही बताएं। और बात करें अपने एंटी स्पोर्ट्स फ़ैन किट की, तो उसका प्राइस भी 2100 रुपये करीब का पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो ये मैंने किस प्राइस पॉइंट पर परचेज़ किया होगा। तो इसकी कहानी मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आप वीडियो एंजॉय कीजिए और अनबॉक्सिंग एंजॉय कीजिए, और इंस्टॉलेशन भी इसी वीडियो में मैं ज़रूर दिखा दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरी एक वीडियो पर जिसपे 13000 व्यू हो चुके हैं, वीडियो शायद मेरी गेमिंग पीसी बिल्ड की थी या पीसी बिल्ड की थी, हाँ 2 PC बिल्ड जो मैंने किए थे 96,000 रुपीज़ में, उस पर 13000 व्यू पहुँचाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और शायद 200 लाइक्स उस पर कम्प्लीट होने वाले हैं। तो यार ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए अपना मेरे ऊपर और सपोर्ट करते रहिए। तो फिलहाल आप वीडियो एंजॉय कीजिए, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी बोलने की मैं आपको बता दूँगा इसमें मैंने क्या क्या किया है। और जिन भाई ने मुझे ये फ़ैन किट भेजी है, बिल्कुल नई कंडीशन में भेजी है, और इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, फ़्लिपकार्ट वालों से तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है भाई ने। फ़्लिपकार्ट की पैकेजिंग का क्या ही बताऊँ यार, कितनी गंदी पैकेजिंग कर रहे हैं आजकल, मतलब दिल्ली का बता रहा हूँ मैं। आप सभी को पता होगा कि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली का मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में जो फ़्लिपकार्ट की पैकेजिंग होती है वो काफ़ी बेकार कंडीशन में हो रही है आजकल। पहले फ़्लिपकार्ट अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है फ़्लिपकार्ट वालों को। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है भाई ने, सारे में टेप वगैरह मार के पैक कराया है, काफ़ी अच्छे से पैक किया है। तो वीडियो एंजॉय कीजिए, अनबॉक्स कर देता हूँ मैं। अच्छा तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये फ़ैन किट अमेज़न पर अवेलेबल है नहीं, और फ़्लिपकार्ट तो अवेलेबल होगी नहीं डेफिनेटली। तो इस फ़ैन का जो बाय लिंक है मैं MD कंप्यूटर्स का आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसे परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे MD कंप्यूटर से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी फ़्लिपकार्ट पे भी अगर इसका कोई लिंक हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सामान परचेज़ कर लेना, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो सके। थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और यार प्लीज़ इस वाली वीडियो है जिसे मैं अपलोड करूँगा फ़ैन किट की इंस्टॉलेशन की, तो इस पर मेरे मतलब ज़्यादा कोई एम तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी यार 50 लाइक तो पहुँचा ही देना। कम से कम 50 लाइक हो जाएंगे तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेट फील होगा। तो यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, ताकि आपको नई नई वीडियो और नए नए गैजेट्स मिलते रहें। तो गाइस देख लीजिए ये फ़ैन किट मैंने बॉक्स से बाहर निकाल ली है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे मिला है। हालांकि बॉक्स मुझसे ही फट गया है, थोड़ा बहुत टेप ज़्यादा लग रही थी इस पर, तो टेप वगैरह से थोड़ा बहुत फट गया है, बाकी फ़ैन वगैरह काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। तो चलिए इसे मैं बॉक्स से निकाल लेता हूँ और आपको लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर 4 फ़ैन तो मिलेंगे डेफिनेटली, एक कंट्रोलर मिलेगा, एक रिमोट है और कुछ वायर्स वगैरह होंगे और स्क्रू है। तो वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, तो आप समझ सकते हो कि मैंने वॉइस ओवर किया है, तो मुझे डेफिनेटली पता ही होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर 4 फ़ैन देख लीजिए आप, 4 फ़ैन मिल जाते हैं जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और वायर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्या ही बताऊँ, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी है गेम इंडियाज़ वालों ने। वायर की क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, और इसका जो एयर थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 4 फ़ैन मुझे मिले हैं, और इस बॉक्स के अंदर एक कंट्रोलर मिला है। कंट्रोलर के अंदर आप 2 LED स्ट्रिप लगा सकते हो, जो कि मैं अभी वीडियो में दिखा देता हूँ, और ये सिलिका जेल भी इसी के साथ मिला है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ़ैन वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो RGB का जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का इसमें वायर वगैरह मिला है, देख लीजिए। इसमें जो वायर का अडेप्टर है वो मोलेक्स नहीं है, एक PWM कनेक्टर की तरह ही है, मतलब मुझे उस कनेक्टर का नाम नहीं पता है, तो देख लेना यार अपने हिसाब से नेट वगैरह पर सर्च कर लेना किस टाइप का कनेक्टर है, मैंने वीडियो में दिखाया भी नहीं है जूम करके। तो देख लीजिए रिमोट कंट्रोल भी हमें मिला है, जिसके अंदर थोड़ी बैटरी लो थी, तो मुझे आगे चल के वीडियो में इसमें प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा कि यार फ़ैन किट ख़राब है, लेकिन फ़ैन किट ख़राब नहीं थी, इसके अंदर सेल डाउन था। तो इसके साथ एक ये एक मैग्नेट स्टिक मिलती है, जो कि हमें सपोर्ट करती है अपने कैबिनेट पे इंस्टॉल करने के लिए इसे कंट्रोलर को। और ये कंट्रोलर मिलता है हमें, कंट्रोलर में हमें 8 फ़ैन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 8 फ़ैन हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और 2 LED स्ट्रिप कनेक्ट कर सकते हैं,
और ये कुछ वायर्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा, इनका यूज़ मुझे नहीं पता मदरबोर्ड वगैरह के साथ होगा। तो ये मैंने डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली अपने पावर सप्लाई से कनेक्ट करके अपना रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने लगा हूँ। तो मदरबोर्ड का मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें ही पहले से ही काफ़ी अच्छे फंक्शंस दे रखे थे, तो मदरबोर्ड की मुझे मतलब ऐसा कोई नीड नहीं पड़ी कि मदरबोर्ड से इसे कंट्रोल करें। तो पहले मैं इसे पोस्ट करके देख रहा हूँ, यानी कि मतलब इंस्टॉल करने से पहले पोस्ट कर रहा हूँ के चेक करने के लिए कि ये कैसे चल रहे हैं और किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। मैंने अपना सीपीयू नीचे उतार लिया था, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा मैं अपना सीपीयू थोड़ा ऊपर की तरफ रखता हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरी वीडियो में ज़रूर जाकर देख लेना। तो मैंने अपना सीपीयू नीचे उतार लिया था और इसे पोस्ट करके देखने लगा कि किस टाइप से ये वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, मुझे लगा कि यार मुझे ख़राब मिल गए हैं, क्योंकि यार रिमोट के अंदर सेल नहीं था तो मुझे पता नहीं चल पाया कि ये सही है या नहीं सही है। फिर भी ये रिमोट में जो प्लेट सी थी मतलब प्लास्टिक की सेल के लिए, वो मैंने निकाल दी थी और अपना पीसी वगैरह ऑन करके देख लिया था। तो पीसी ऑन करके मैंने देखा और फिर मैंने अपना पीसी स्टार्ट किया, उसके बाद देख लीजिए काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ वो आ पा रहे हैं ये। अब मुझे नहीं पता कि आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लाइट ऑन की हुई थी अपने रूम की, तो शायद दिख नहीं पा रहा हो, लेकिन आप वीडियो में लास्ट में ज़रूर देख लेना, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है और काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मुझे रिमोट के साथ थोड़ा कंट्रोल करने में इशू आ रहा था, मुझे लगा कि यार रिमोट ख़राब है या फैन किट की या कंट्रोल कुछ ख़राब है इनमें से, रिमोट की भी सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि यार रिमोट का सेल वीक है, तो मैंने इसमें नया सेल डालकर इसे दोबारा से ऑन कर लिया और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मुझे इसकी लगी और काफ़ी अच्छे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। मतलब मैंने सारे ऑप्शन यूज़ करके नहीं देखे हैं, अगर आप इसे परचेज़ करोगे तो आप ज़रूर इसे यूज़ करके देख लेना। मेरे को मतलब इतने ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं चाहिए थे, मेरे को सिंपल RGB फ़ैन लगाने थे, तो मतलब एक ही कलर पे मैं ज़्यादातर रखता हूँ, बार बार कलर चेंज करने मुझे होंगे नहीं, तो इतने ज़्यादा मैंने ऑप्शन ट्राई नहीं किए। फिर भी आप देख लेना, मैं वीडियो में लास्ट में ज़रूर दिखा दूँगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के इसमें कलर आपको मिल जाते हैं। तो गाइस देख लीजिए मैं किस टाइप से वीडियो में स्ट्रगल कर रहा हूँ रिमोट के साथ और फैन के साथ, मुझे लगा कि यार कुछ ख़राब है यार, क्या हो गया क्या नहीं पता नहीं, यार सस्ते मिले हैं कहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं नुकसान करके बैठ गए हैं या कोई स्कैम हो गया है मेरे साथ। लेकिन बाद में पता चला मुझे इसका रिमोट का सेल वीक है, तो मैंने इसका सेल चेंज किया तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल गए थे। तो यार जो मेरी पुरानी वीडियो थी जो कि PC बिल्ड की थी, जिसपे काफ़ी अच्छे व्यू आ गए थे, 13,000 व्यू आ गए थे और 200 के करीब लाइक आ गए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लेना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और देख लीजिए मैं किस टाइप से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई मुझे स्ट्रगल करते हुए और आप लोगों से बात करते हुए, फिर भी ये रिमोट का इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यार मेरे को पता ही नहीं था इसका सेल निकलेगा कैसे, मैं काफ़ी स्ट्रगल करता रहा इसमें। फिर बाकी लास्ट में मैंने इसके अंदर पिन से इसे निकाला और काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने इसके अंदर सेल डाल लिया था, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से इसे रिमोट से कंट्रोल होगा और किस टाइप से इसमें कलर्स वगैरह चेंज होंगे। फाइनली देख लीजिए मैंने अपने रिमोट में सेल डाल ली है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ैन वर्क कर पा रहे हैं और कलर वगैरह भी चेंज हो पा रहा है। मुझे तो कन्फ्यूज़न हो गई थी, मुझे लगा कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया है इस बार, पता नहीं क्या हो गया है यार, वर्क नहीं कर पा रहे हैं यार, रिमोट कंट्रोल ख़राब है या रिमोट ख़राब है, लेकिन नहीं यार सेल वीक थे तो इसलिए मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो देख लीजिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर पा रहे हैं और इसके बाद मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने PC में और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप से मैंने इंस्टॉल किए हैं और मतलब इंस्टॉलेशन क्या ही दिखाऊं आपको, फिर भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूं। इंस्टॉल तो आप लोग कर ही लोगे, बस वायर मैनेजमेंट वगैरह रह जाता है, और वायर मैनेजमेंट की बात आप मेरे से ना ही करो तो मैं आपको बता दूं कि वायर मैनेजमेंट आपको दिखाता हूं मैं अपने PC में किस हिसाब से कर रखा है मैंने। एक तो मेरे कंप्यूटर कैबिनेट में बैक साइड में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें मैं वायर होल्ड कर सकूं, फिर भी मैंने एक एक करके जिप टाई से इंस्टॉल करे हैं अपने वायर वगैरह किसी तरह से फिक्स किए हैं। आप लोगों को वीडियो में ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा कि मैंने किस टाइप से अपना वायर मैनेजमेंट कर रखा है अपने कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर। तो दिखा देता हूँ मैं आपको किस टाइप से वायर मैनेजमेंट हुआ पड़ा है मेरे कंप्यूटर का, देख लीजिए यार क्या ही हाल हुआ पड़ा है मेरे बैक साइड से कंप्यूटर कैबिनेट का, क्योंकि यार जो ये कूलर मास्टर का कैबिनेट है इसमें वायर होल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है या कोई बस लेन नहीं है या कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है इस कैबिनेट के अंदर जिसमें वायर सही से होल्ड कर पाएँ या सही से लॉक कर पाएँ।
फिर भी मैंने जिप टाई से लुक कर करके अपने वायर मैनेजमेंट को ठीक कर लिया है थोड़ा बहुत जहाँ तक है। फिर भी फ्रंट साइड से इसका काफ़ी अच्छा क्लीन लुक मिल जाता है, जैसा कि आपने मेरे वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा या आगे आप देखोगे। तो चलिए बात करते हैं अपने गेम इंडियाज़ की तरफ से आने वाली फ़ैन किट के बारे में। ये मैंने कहाँ से मंगाए हैं, ये एक्चुअली मुझे OLX से मैंने ये परचेज़ किए हैं, मुझे ब्रांड न्यू कंडीशन में मिले हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मैंने मुंबई से मंगाए हैं एक भाई के थ्रू, जो कि मुझे 1400 रुपये में मिल गए हैं OLX से, और काफ़ी न्यू कंडीशन में मुझे मिले हैं। बॉक्स ही पैक था, सील पैक मुझे मिले हैं। उन भाई ने परचेज़ किए थे अपने गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए, लेकिन वो गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं बना पाए, फिर भी मैं उन भाई का थैंक यू कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर वो भाई अपना गेमिंग पीसी बिल्ड बना पाए। दीपक राज ये भाई का नाम है, उन भाई का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और थैंक यू भाई मुझे इतनी अच्छी कंडीशन और इतनी अच्छी पैकेजिंग में ये गेम इंडियाज़ के फ़ैन प्रोवाइड करने के लिए, और मैं काफ़ी खुश हूँ इन फैन से। और मतलब 1400 रुपये में इन्होंने काफ़ी कमाल कर दिया है, कितने अच्छे फ़ैन मिले हैं मुझे और इतनी अच्छी कंडीशन में। हालांकि ये थोड़ी बहुत ही वारंटी में मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन फ़ैन से खुश हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लो बजट पे ही मिल जाते हैं। 2700 रुपये के अभी फ़िलहाल नहीं चल रहे हैं और ये मुझे 1400 रुपये के मिल चुके हैं OLX से। अगर आप OLX वगैरह से चीज़ें परचेज़ करते हैं तो फ्रॉड से थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि OLX से फ्रॉड कैसे होता है और किस टाइप से आपके हजारों लाखों रुपए OLX के थ्रू चले जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कलेक्ट सिंधी पोर। यार मेरी पहले वाली वीडियो भी देख लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो का एम है 50 लाइक्स का, तो इस वीडियो पे 50 लाइक का एम पूरा कर देना प्लीज़ यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज कलेक्ट सिंधी पोर के लिए इतना, बाय।